हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण और ये वीडियो है iQOO Z3 के बारे में। क्या इसका प्राइस होने वाला है, लॉन्च कब होगा और इसकी स्पेसिफिकेशंस, इस बारे में बात कर लेते हैं आज। तो पहले कंफर्म चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768 5G प्रोसेसर होने वाला है, जो कि 7nm पे बना हुआ है। और ये प्रोसेसर एक 5G प्रोसेसर है। इसका एंटूटू बेंचमार्क 450 लैक्स के आसपास आ रहा है और ये प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इंडिया में पहली बार लॉन्च हो रहा है iQOO Z3 के साथ। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें आपको 55 वॉट की फ़ास्ट चार्जिंग मिलेगी, जो कि कंफर्म है। और 55 वॉट की फ़ास्ट चार्जिंग के साथ साथ आपको इन बॉक्स 55 वॉट का चार्जर भी मिलेगा, तो चार्जर आपको कहीं बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसके कुछ रेंडर्स आज जो है लीक हुए हैं, एक्चुअली रेंडर्स नहीं, इमेज ही लीक हुई है इसका फर्स्ट लुक। तो वो आप जाकर के गीकी रंजीत सर के चैनल पे है इंटरव्यू iQOO के डायरेक्टर का, उसमें उन्होंने एक फर्स्ट लुक दिया है, तो वो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 750G से इसका एंटूटू बेंचमार्क कितना ज़्यादा है, 4.5 लाख प्लस है। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी, इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात होने वाली है ये। तो उसके अलावा मेन फीचर्स इसके रिवील होने में 4 तारीख तक काफ़ी कुछ रिवील कर देंगे, जैसे प्रोसेसर इन्होंने रिवील कर दिया है और फ्लैश चार्ज तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे रिवील फुल लोडेड कैमरा वगैरह, और 3 जून, तो 4 जून तक ये लोग रिवील करेंगे। और 8 जून को फ़ोन लॉन्च इवेंट है, तो वो देखने वाला होगा कि कैसा फ़ोन लॉन्च होता है यहाँ पर, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो अगर यहाँ पर कैमरे की बात करें तो जो लीक्स हैं, जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, रेंडर्स निकल के आ रहे हैं, उनको देखते हुए यही लग रहा है कि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है पीछे। अब देखते हैं कौन सा सेटअप आता है या नहीं आता है। उसके अलावा इसकी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, गीकी रंजीत सर के चैनल पर फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है, वो मैं वीडियो में अपने इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ सकता है और वो एथिकल भी नहीं है। तो वहाँ पर जाकर के आप थोड़ी और जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर iQOO जो है अमेज़न के साथ TZA भी कर रहा है कि सर्विस वगैरह को लेकर के नीचे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि सर्विस इम्प्रूव होने वाली इस बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप से ये लोग जो है काम कर रहे हैं वीवो के साथ, तो सर्विस में आपको इशू इस ईयर नहीं आएगा और काफ़ी अच्छी सर्विस का एक्सपीरियंस देने वाली है iQOO। अब उस बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो। तो प्राइस यार इसका ये होने वाला है कि 25,000 से तो कम रहने ही वाला है। आप ये समझो कि बेस मॉडल इसका 23,000 से अंदर रहेगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, 23,000 से अंदर रहने वाला है आपको बेस मॉडल, 22 का या 23 का आएगा। और इसके अलावा जैसा कि iQOO 7 के साथ ऑफ़र्स मिले थे, इस बार भी आपको ऑफ़र्स मिलेंगे बैंक के या फिर अमेज़ॉन कूपन्स वगैरह, तो वो दोनों अनवेल करके आप इसको 20,000 या 20,000 से कम में ख़रीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो जा रही है यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर। मुझे लग रहा है कि ये नॉर्ड सी जो लॉन्च होने वाला है, 10 जून को लॉन्च होगा, नॉर्ड सी को कड़ी टक्कर देने वाला है ये फ़ोन, और ख़ुद में तो ये ज़बरदस्त फ़ोन है ही है। एंड हाँ, डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट तो मिलने ही वाला है, बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एमोलेड शायद नहीं होगी डिस्प्ले। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि एमोलेड डिस्प्ले नहीं आएगी, बट 120Hz का रिफ्रेश रेट और IPS पैनल मिल सकता है, तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अब देखते हैं कि क्या पैक करके iQOO देता है इस बार। कैमरे को लेकर के भी काफ़ी हाइप है कि काफ़ी अच्छा कैमरा मिलेगा, क्योंकि इस फ़ोन के साथ iQOO यूथ की सारी रिक्वायरमेंट्स को टारगेट कर रहा है। और अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट न्यूज़ ये आ रही है कि वायरलेस चार्जिंग जो है Xiaomi ने डेमोंस्ट्रेट की है, जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हो कि 15 मिनट में 4000mAh की बैटरी फुल चार्ज हो जा रही है। 120 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। और मैं यहाँ पे ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहा हूँ वायरलेस चार्जिंग वाली Xiaomi की, बट इसको अगर आप चाहोगे तो मैं एक बड़ी वीडियो बाद में लेकर के आता हूँ अगर इसकी और ज़्यादा डिटेल्स आती हैं Xiaomi की तरफ से। ये देखिए 100% बैटरी चार्ज हो जा रही है 15 मिनट में, 120 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। प्लस यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है 200 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, जिसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में फुल चार्ज हो जा रहा है Xiaomi का डिवाइस। ये देखिए, यहाँ पे कस्टम डिवाइस है ये, और देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने डेमोंस्ट्रेट कर दिया 200 वॉट की वायर्ड चार्जिंग। तो पता नहीं भाई फ्यूचर क्या होने वाला है, कितनी तेज़ फ़ोन चार्ज होंगे, 8 मिनट में फुल चार्ज हो जा रहा है। तो आज के समाचार समाप्त हुए, कल फिर मिलेंगे आपसे। और अगर ऐसे ही ढंग का कंटेंट देखना है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन्स भी दबा दीजिए। और जो पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको थैंक यू सो वेरी मच।